कोई डोली कहे तो कोई गोली, कोई चलाए तो कोई उड़ाए, क्योंकि दौड़े तो डोली की तरह डगमगाए, ब्रेक लगाओ तो लड़खड़ाए, गाड़ियों के दरमियान इस तेजी से निकल जाए कि देखने वाला देखता रह जाए। यह तीन पहियों की मुसल्लस नुमा सवारी रक्षा, कोई इसे सवारी के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई माल बर्दारी के लिए। इसे कुछ लोग अजीब और गरीब सवारी कहते हैं तो कुछ अफराद इसकी तारीफें करते नहीं थकते। इस गाड़ी की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि PSL के मैचेस की तशहीर के लिए रक्षे ही इस्तेमाल किए गए, जबकि रक्षों की अफादियत यहीं तक महदूद नहीं। अब रक्षों को कचरा उठाने वाले छोटे डंपरों में भी तब्दील करके इस्तेमाल में लाया जाने लगा है। खुशगवार हैरत की बात यह है कि इस सवारी की तैयारी अब ज्यादातर पाकिस्तान में ही होती है, और इस तादाद और मयार की होती है कि न सिर्फ मुल्क की जरूरियात को पूरा करती है बल्कि दूसरे ममालिक को भी बरामद की जाती है। पाकिस्तान में तैयार होने वाला ऑटो रक्षा न सिर्फ कम लागत में तैयार होता है बल्कि माहिर कारीगरों और इंजीनियर उसे तैयार करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगाते। रिक्शा ट्रांसपोर्ट इटली से जब हमने खुद ही इंपोर्ट किया था तो वो 1.5-2 साल के बाद ये रिक्शा बिल्कुल उससे ख़राब हो जाता था जो इटली ने वेस्पा ने मॉडल दिया था। हमने रिक्शे से जब स्टार्ट काम लिया ना, रिक्शे वाले बहुत गरीब लोग हैं, फिर आस्ते से वो बाहर से आने रिक्शे बंद हो गए। उन रिक्शों को हमने जब देखा कि वो बिल्कुल एक मिट्टी की जगह पड़े हुए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तो मैंने कहा इसको कोई संभालने वाला हो तो ये संभाल सकता है। फिर मैं उसी के एक नया रक्षे हमारे पास और भी थे, उसमें से एक बाडी पूरी खोली और डिसमेंडल किया उसको, उसकी ड्रैंक्स बनाई पूरी, उसके बाद मैंने उसको वन बाई वन पार्ट बनाता चला गया। जितना पाकिस्तान में रक्षा था सबको मैंने पार्ट दिया। पाकिस्तान में मौजूद कंपनियाँ इंतहाई अच्छे मयार के रक्षे कम कीमत पर तैयार कर रही हैं, जिसके बायस पूरी दुनिया में पाकिस्तान में बनाए जाने वाले रक्षों की मांग बढ़ती जा रही है। यहां तक कि अब पाकिस्तानी रक्षे जापान भी बरामद किए जाने लगे। हमने पहले बांग्लादेश में किया, श्रीलंका में किया, नाइजीरिया में किया, अभी इराक में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, अभी जापान में भेज रहे हैं, इसलिए कि दुनिया में हम भी नजर आए, भी पाकिस्तान भी कहीं पे है। देखने में सादा, छोटी और हल्की नजर आने वाली ये सवारी बहुत से मराहिल से गुजरकर तैयार होती है। सबसे पहले रक्षे की बॉडी तैयार की जाती है। रक्षे की बॉडी बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं होती, इसकी गुंजाइश तकरीबन एक छोटी कार के बराबर होती है, लेकिन इसकी बॉडी में धाती चादर का इस्तेमाल ज्यादा होता है जो रोल की शक्ल में स्टील मिल से बराह रास्त कारखाने पहुँचती है। कंटेनर से उतरती है, फिर इधर से ये जो छोटी क्रेन है इसके जरिए हम ऑटोमेटिक मशीन पे ले जाते हैं। क्रेन के जरिए हम ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन है उस पर फिट करते हैं, वो स्ट्रेट करती है शीट को। इन चादरों को नाप तोल कर चौकोर शक्ल में काट लिया जाता है और एक जगह जमा कर दिया जाता है। अब वो धाती चादरें जो एक ही साइज में कटी हुई हैं, इन्हें फोर्कलिफ्टर के जरिए मैनुअल शेयरिंग शॉप पर भेज दिया जाता है, जहां इसकी मखसूस शक्ल में कटाई की जाती है। यानी जितना बड़ा बॉडी का टुकड़ा बनाना होता है उसमें से उतनी ही बड़ी चादर काटी जाती है। इस मरहले के बाद शीटों को प्रेस शॉप पर भेज दिया जाता है, जहां मशीनों के जरिए चादरों पर दबाव डालकर मखसूस हिस्से की शक्ल दी जाती है। रक्षे की बॉडी के मखसूस हिस्से बनाने के लिए मुख्तलिफ मोटाइयों की चादरें इस्तेमाल होती हैं। यहां चादर को प्रेस करके बनाए जाने वाले हिस्से भी पहले मरहले में ही मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होते, बल्कि इसे कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। ये जो मशीन है यहाँ पे हमारी मोटी थिकनेस की शीट जो है उसको कटिंग की जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल आने के बाद यहाँ पे इसको कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद इसी प्रेस के ऊपर दूसरा इसका प्रोसेस होता है जिसमें इसका ड्रा होना, कटिंग होना, और इसके बाद इसको आगे हम भेज देते हैं फर्दर दूसरी प्रेस के ऊपर दूसरा प्रोसेस के लिए, जिसमें ये कटिंग भी हो सकती है, डीलिंग भी हो सकती है, और दूसरे जो इसके हैं प्रोसेस को कम्प्लीट किया जाता है। रक्षा बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी के लिए एक ही मशीन पर कई कई फर्में तब्दील किए जाते हैं। यही जो पार्ट ड्रा है इसको हम दूसरी बाइयाँ चेंज करने के बाद ये वो फाइनल पार्ट इस शक्ल में आ जाता है। वैसे तो मुख्तलिफ मशीनों पर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की तैयारी का काम बैक वक्त जारी रहता है, लेकिन सबसे पहले रक्षे का बोनट तैयार किया जाता है। ये रक्षे का बोनट तैयार कर रहे हैं, ये पीस एक ड्रा हुआ है
ये पीस ड्रा करने के बाद इसी प्रेस पे हम इसको कटिंग के लिए लगाएंगे। अब ये एक इसकी ये रहा शक्ल है, इसके बाद इसका फिनिश पीस पड़ा होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी डाई पे बांधते हैं हम इसको, इसी प्रेस के ऊपर डाई चेंज करते हैं, उसके बाद ये इस शक्ल में आ जाता है। इसके ऊपर इसका ये होल और ये कटिंग, जो कि ड्रा में ये चीज़ पहले कटिंग नहीं हुई होती, यहाँ पे हम फिनिश डाई के ऊपर हम ये बांधते हैं, फिनिश दूसरी डाई के ऊपर, और फिर इसके ऊपर ये सारा प्रोसेस होता है और इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा दूसरे प्रेस में काम है, इसी तरह ये सारे प्रोसेस नेक्स्ट बाई नेक्स्ट चलते रहते हैं। ये भी नक्शे का एक पार्ट है, ये समझ लें कि ये फ्रंट पे छत है, इसको छत बोलते हैं। इसी तरह ये हमें ये भी रॉ मटेरियल की शक्ल में आता है, उसके बाद ये हम इसको ड्रा करते हैं, और ड्रा ये जब ड्रा होता है तो ये इस शक्ल में आता है, जब प्रेस से निकलता है तो ये शक्ल होती है। उसके बाद हम इसी प्रेस के ऊपर या जब हम फारग करते हैं तो इसको डाई चेंज करके फिर हम इसको फिनिश शक्ल में ले आते हैं, और ये हमारा एक फाइनल पार्ट बन गया। इस तरह हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है, और फिर हम डिफरेंट पार्ट डिफरेंट मटेरियल जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये एक पार्ट नहीं बनता एक टाइम में, क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी में हम बनाते हैं, और इसी तरह फिर हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए असेंबली सेक्शन में भेज देते हैं। यहाँ तैयार होने वाले हिस्से आखिरी शक्ल में नहीं होते, बल्कि शीट पर इसकी पूरी शक्ल बना दी गई होती है। हमारे पास इस शक्ल में मटेरियल आता है जो हम पीछे से काट के यहाँ पे लेके आते हैं, इसके बाद इस मटेरियल को इस प्रेस पे ले जाते हैं, और ये प्रेस ड्रा करता है। जब ड्रा होता है तो ये इस शक्ल में आ जाता है हमारे पास, इतना ये हमारा ड्रा की शक्ल है। ड्रा के बाद इसको फिर इसी प्रेस पे दोबारा लगा के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और ये हमारा एक फाइनल पीस तैयार हो जाता है। इस प्रेस के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमने पीस ड्रा कर लिया हुआ है, और ये हमारा रक्षे का साइड पैनल है, जब रक्षक व्हील के ऊपर ये लगता है, ये बोनट कहलाता है, ये जहाँ पे ड्राइवर बैठता है। इन सब हिस्सों को कटिंग मशीनों पर भेजा जाता है, जहाँ इन्हें नाप तोल कर काटा जाता है, और हर हिस्सा अपनी आखिरी शक्ल में आना शुरू हो जाता है। अब ये हमारे पास इस शक्ल में फिनिश पुर्जा आ जाता है, कटिंग के बाद ये हमारे पास फाइनल आ जाता है। अब इसके बाद ये फर्दर प्रोसेस के लिए अगले प्रेस पे चले जाएंगे। इस प्रेस के ऊपर ये बॉडी तैयार होती है, रक्षे की बैक साइड पे ये लगती है, इसके ऊपर ये अब ड्रा शक्ल में आपके सामने है, इसमें लाइट नंबर प्लेट वगैरह लगती है। इसके बाद ये यहाँ से उसी प्रेस के ऊपर चले जाता है जो अभी हमने आपको बताया, जिस पर ये बोनट की कटिंग हो रही है, और फिर ये इसके ऊपर ये सारी इसकी कटिंग होने के बाद इसमें जो सुराख डलने हैं, लाइटों के जो चीज़ें डलनी हैं वो होनी है, वो उस प्रेस के ऊपर कंप्लीट हो गए, और ये फिर आगे फर्दर प्रोसेस के लिए असेंबली सेक्शन में चलेगा। जब ये शेयरिंग से माल काट के आता है तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर आता है, यहाँ ये जो रक्षे का फ्रंट है इसका वो उसको पहले ब्लैंक को काटा जाता है, काटने के बाद फिर ये प्रेस पे जाता है, फिर वहाँ से वो आके प्रेस से फिर वो इस शक्ल में यहाँ पे आ जाता है। रक्षे का फ्रंट टॉप पोर्शन जिसमें ये ग्लास लगता है, शीशा लगता है, इसी तरह हम आगे आएंगे, आगे जब आएंगे ये होता ये है कि जब ये वहाँ से ड्रा होने के बाद यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद ये इसको काटते हैं, ये रफ कटिंग के बाद फिर इसको अगले पोर्शन पे ले जाते हैं। वहाँ से ये कटने के बाद इधर आता है और फिर ये इस शक्ल में आ जाता है, इसको अब ये रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और इसके बाद ये वेल्डिंग शॉप में चले जाएगा, वहाँ पे इसको ऊपर फर्दर जो भी प्रोसेस है वो होगा। बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से बड़ी तादाद में तैयार किए जाते हैं, और फिर इन्हें जोड़ने की गर्ज से कारखाने के दूसरे हिस्से में भेज दिया जाता है। जिस तरह रक्षे की बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तैयार होते हैं, इसी तरह इसका फर्श भी कई मराहिल से गुजर कर तैयार होता है। चादर की शक्ल में बना फर्श शेयरिंग डिपार्टमेंट से प्रेस में आता है, यहाँ इसे साइज के मुताबिक काटा जाता है, इसको डिजाइन दिया जाता है, और इसके बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ असेंबल होने के लिए भेज दिया जाता है। लीजिए, रक्षे की बॉडी के तमाम हिस्से तैयार हो चुके हैं, अब मरहला है इन्हें असेंबल करने का या जोड़ने का।
तैयार करता तमाम हिस्सों को वेल्डिंग सेक्शन मुंतकिल किया जाता है, जहां माहिर वेल्डर्स इन्हें एक दूसरे से जोड़कर मुकम्मल बॉडी की शक्ल में ढालने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले प्री असेंबली होती है इनकी। उसके बाद फ्रेम वेल्डिंग होता है। फ्रेम वेल्डिंग के बाद फ्रेम और ये प्री असेंबली जो है ये जाती है अगले सेक्शन में, वहाँ जाके इसकी फिर सब असेंबली होती है। ये फ्रेम बॉडी है, मुकम्मल फ्रेम है रिक्शे का। ये बहुत सारे पार्ट पे मुश्तमिल है और सब पार्ट को हम अलग अलग लेके इकट्ठा पिक्चर्स में जोड़ते हैं, फिर उसको वेल्ड करने के बाद ये मुकम्मल होता है और ये फिर उसके बाद अगले प्रोसेस में जाता है। वेल्डिंग मुकम्मल होने के बाद बॉडी का तफसीली मुआयने के लिए इंस्पेक्शन स्टेशन लाया जाता है और देखा जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इत्मीनान करने के बाद इन हिस्सों को आपस में जोड़कर रक्षे की शक्ल दी जाती है। मुकम्मल वेल्डिंग में हो गया, फिर हम इसको इंस्पेक्शन स्टेशन पे लेके आए हैं, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि पूरे साइज वाइज ठीक है, इसकी अलाइनमेंट ठीक है, इसके बाकी जो पार्ट मिस तो नहीं हुआ, कोई वेल्डिंग तो खराब नहीं है। तो इस तरह चेक करने के बाद फिर हम इसको फाइनल एरिया में भेजते हैं। बॉडी की शक्ल में ढलने के बाद इसे प्री ट्रीटमेंट एरिया में भेज दिया जाता है, जहां रक्षे की बॉडी को प्री ट्रीटमेंट के अमल से गुजारा जाता है, जो चार मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहला हमारा प्रोसेस है डी ग्रीसिंग का, उसमें हम पानी गर्म होता है, केमिकल क्लीन के नाम से केमिकल डाला जाता है और उसमें 70-80 टेम्परेचर होता है उसका, और उसमें आप 10-15 मिनट हम उसमें रखते हैं। उसके बाद आगे फ्रेश वाटर का टैंक होता है, हम उसमें रखते हैं, एक मिनट का टाइम उधर देते हैं। उसके बाद आगे फिर डी रेस्टिंग का होता है डिपार्टमेंट एरिया, वहाँ हम रखते हैं, उसमें जंग वगैरह जो हो वो साफ होता है उसका, और उसके बाद फिर वाटर टैंक में रखते हैं और उसके बाद फास्ट एरिया में आ जाते हैं। रक्षे की बॉडी को छोटी क्रेन या पुली की मदद से उठाकर टैंक्स में डुबकियाँ दी जाती हैं। पुली या क्रेन का कंट्रोल एक शख्स के हाथ में होता है, जो लटकी हुई बॉडी को प्री ट्रीटमेंट के तमाम मराहिल से गुजारता है। प्री ट्रीटमेंट के बाद रक्षे की बॉडी को पैंट शॉप यानी उस जगह भेज दिया जाता है, जहां इस पर रंग किया जाता है। रंग करने का तरीका भी कई मराहल पर मुश्तमिल होता है। पहले मरहले में बॉडी पर स्प्रे के जरिए बॉडी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से पर हल्का रंग किया जाता है, जिसे अंडरकोट का नाम दिया जाता है, यानी कि अस्तर। इस रंग को खुश करने के बाद ड्राई ओवन में रख दिया जाता है, जिसे उर्फ़ आम में भट्टी भी कहा जाता है। वहां से निकालने के बाद उस पर सब्ज रंग किया जाता है। इस दौरान रंग करने वाला हिफाजती तदबीर के तौर पर अपना मुंह और हाथ पैरों समेत पूरा जिस्म ढांप रखता है, ताकि रंग के उड़ने वाले जर्रात से सेहत को नुकसान न पहुंचे। अपर कोट कर रहे हैं, उसका ग्रीन कोट हो रहा है, उसके बाद इसे फिर ड्राई ओवन में लेके जाएंगे। वहाँ खुशियाँ करने के बाद हमें इसे असेंबली हॉल में जहाँ संभल होने के लिए रक्षा चले जाएगा उधर। रंग मुकम्मल होने के बाद बॉडी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बॉडी की तकमील के बाद इसमें विंड स्क्रीन लगाई जाती है और फिर मरहला आता है रक्षे की बॉडी में इंजन, लाइटें, टायर और दीगर अशिया लगाने का। ये स्टेशन जो है, ये डिफेंशियल असेंबली, जो मेन रक्षे का जो व्हील बेस समझ लें, व्हील असेंबली है ये। ये 200 सीसी इंजन है, ये को असेंबली किया है। ये हमारा रेडिएटर असेंबली है, यहाँ पे हम रेडिएटर असेंबली करते हैं, क्योंकि जो हमारा इंजन है वो वाटर कूल है, उसके लिए रेडिएटर लाजमी है। यहाँ पे हम रेडिएटर फैन रेडिएटर असेंबली करते हैं, ये कंपनी का आके इसको इंजन पे लगा देते हैं साथ। ये 7 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक है, यहाँ पे कुछ असेंबली करते हैं। जब मेन लाइन पे फ्रेम असेंबली होता है तो उसके ऊपर इसको असेंबल कर देते हैं। यहाँ हम हैंडल असेंबली करते हैं, जो रक्षे को लगाते हैं, इस पर केबल्स वगैरह, क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल, इस पर असेंबल करते हैं और उसके बाद इसको गाड़ी पर लगाते हैं। ब्रेक असेंबली स्टेशन है, क्योंकि हमारी ब्रेक हाइड्रोलिक है, इसलिए इसके लिए ब्रेक सिलेंडर भी हाइड्रोलिक लगता है। यहाँ पे इसको ब्रेक पाइप की लाइनिंग और ब्रेक सिलेंडर के साथ असेंबली होता है, उसके बाद इसको चेसी पे असेंबल कर देते हैं। ये हमारा इंजन मेन लाइन असेंबली है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट के ऊपर सारे एयर फिल्टर वगैरह और उसके अलावा सीकेडी पार्ट्स जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं
जो ग्रंट वगैरह डिस्प्ले करते हैं उसको संभल किया जाता है, बाद में ये पट्टी फ्रेम के साथ संभल जाती है। ये चीज़ें इस जगह तैयार नहीं होती जहां रक्षे की बॉडी बनाई जाती है, इसके लिए इन सब चीज़ों को दीगर कारखानों से मंगवाया जाता है। इनमें अक्सर चीज़ें पाकिस्तान मेड ही होती हैं। यानी रक्षे की बॉडी में इंजन, रेडिएटर और पैसेंजर बॉडी, बैटरी और लाइटें लगाने के बाद सबसे आखिर में वायरिंग की जाती है। रक्षे की मुकम्मल तैयारी के बाद इसकी टेस्टिंग भी कारखाने के अंदर ही की जाती है, ताकि अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे पूरा कर दिया जाए। अगर कोई चीज सही काम नहीं कर रही तो उसे दुरुस्त कर दिया जाए। पाकिस्तान में तैयार होने वाले रक्षों की कम लागत से तैयारी और उसका मयार और जापान जैसे मुल्क को बरामद होना इस बात की तरफ इशारा है कि अगर छोटे सनतकारों, मजदूरों, कारीगरों और तकनीकी माहिरों की जरा सी हौसला अफजाई की जाए, इनके मसाइल को कम किया जाए तो दुनिया भर की मंडियों में पाकिस्तानी अशिया का डंका बच सकता है और मईशत को तेजी से बढ़ावा मिल सकता है, जो मुल्क और मुल्क में रहने वालों के लिए सूदमंद होगा। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।